आपके सामने रख दिया है, इसलिए खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली है। सबसे पहले मैं अपनी टाइगर फोर्स को खुशामदीद कहता हूं। और जब से गालिबन 28 मार्च को हमने अपनी टाइगर फोर्स बनाई थी, तब से जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ की, मैं अपनी कौम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे टाइगर्स, जितनी आप खामोशी करेंगे, जितना खामोश होंगे, आप आज मेरी बातें एंजॉय करेंगे। क्योंकि रात को जो सर्कस हुई, मैंने उसके ऊपर थोड़ी बातें करी। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ओहो, अभी नहीं, अभी नहीं। और भी उस सर्कस में बड़े फनकार थे, आपको पता नहीं, डीजल के ऊपर आपकी सुई अड़ गई अभी तक। अच्छा सुन, सुने सुने सुने, अभी अभी जब तक खामोशी नहीं होगी मैं नहीं बात करूंगा। खामोशी। अच्छा टाइगर, सबसे पहले ये बड़ा जरूरी है आपको कि अपना मुकाम समझना और अपना काम समझना। जो वॉलंटियर फोर्स होती है, जो शहरियों की होती है, इसका एक बहुत बड़ा मुकाम एक माशरे में होता है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो कि आपने शहरियों की ज़रूरियात, उनके हकूक, उसकी हिफाजत करनी होती है। ये डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। टाइगर्स, आपका बहुत बड़ा रोल है, ये गौर से सुने मेरी बात। जब एक माशरे में मुश्किलात आती हैं तो जिंदा माशरा जो होता है उसके शहरी खुद हुकूमत के साथ मदद करने के लिए आ जाते हैं। और ये पाकिस्तान वो कौम है, जब मुश्किल वक्त आता है ये कौम खड़ी हो जाती है, अपने मुल्क के लिए खड़ी हो जाती है। खामोशी, गौर से सुने, आप ये जाया कर देंगे ये वक्त। हर वक्त मैं आपके सामने नहीं आ सकता, तो आराम से सुने। देखें, जब मैं कैंसर अस्पताल बनाने निकला तो मुझे बड़ा मुश्किल, इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा करना था, बहुत मुश्किल थी। तो उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि पब्लिक की मदद मांगो, स्कूल के बच्चों की मदद मांगो, कॉलेज स्टूडेंट्स की मदद मांगो। और ये जो मौजजा हुआ उसके बाद, किसी मुल्क में ये मिसाल नहीं है कि एक स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल एक मुल्क में बने और कौम मिलके पैसा इकट्ठा करके वो हॉस्पिटल खड़ा कर दे, इतना बड़ा हॉस्पिटल। और वो आप जैसे, तब भी मैं उनको टाइगर्स कहता था, आप जैसे टाइगर्स उन्होंने मिलके वो अस्पताल बनाया। उसके बाद उसको चलाने के लिए भी मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी। सारी दुनिया में लोग सामने आए और आज
एक दुनिया का वाहिद, ये आपको पाकिस्तानी फखर होना चाहिए कि दुनिया का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और वो हमारे लोगों की कौम की वजह से, बड़े दिल के लोग हैं। जब ये एक तरफ इनको एहसास हो जाए कि मुल्क को इनकी ज़रूरत है, ये कौम खड़ी हो जाती है। तो आपकी ज़रूरत अब किधर है? ज़रूरत तो अब आपकी पड़ती रहेगी। जब भी हमें ख़ास तौर पे ये जो हमने शजरकारी करनी है अपने मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क एक दुनिया में वो मुल्क है जो 10 मुल्कों में से सबसे ज़्यादा मुतासर है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो भी मैं आपसे बात करूँगा गंदम की, ये 2 साल हमारे मुल्क में गंदम कम हुई इसलिए कि गलत टाइम पे बारिशें हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये बड़ा ज़रूरी है आपका समझना कि आगे जब तक कौम नहीं मिल के ये शजरकारी करेगी, और हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं अगले 3 सालों में, ये कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। पख्तूनख्वा के अंदर हमने पिछले 5 साल 2013 से 2018 तक 1 अरब दरख्त उगाए, और वो किस कैसे कि कौम ने मिल के उगाए। तो अब इंशाल्लाह इस सारे मुल्क के अंदर हमने सिर्फ दरख्त भी नहीं उगाने, अगला हमने अपनी अपना पानी को साफ करना है, दरिया साफ करने हैं। जो गंदगी हम अपने दरियाओं में फेंक रहे हैं, लोगों को नीचे जैसे जैसे दरिया जाता है पानी की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। इसलिए अभी आपने बड़ा काम करना है। लेकिन अभी आज जो मैंने आपको खास तौर पर बुलाया वो ये कि देखें आपका, देखें वहां थोड़ा डिसिप्लिन रखें क्योंकि आप सुन नहीं सकेंगे मेरी बात। इस वक्त हमारे मुल्क में महंगाई है। समझना है कि महंगाई की कई वजूहात है। जो हमारा रुपया गिरा, हमारा जब रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, और वो क्यों गिरा? क्योंकि जब हमें हुकूमत मिली तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट यानी खसारा था, जो इंपोर्ट हम कर रहे थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे। 60 अरब डॉलर की बाहर से चीज़ें ले रहे थे और सिर्फ 20 अरब डॉलर बाहर दुनिया को बेच रहे थे। 40 अरब डॉलर का खसारा था। जब ये खसारा होता है तो इसका डॉलर की कमी हो जाती है, डॉलर महंगा हो जाता है, रुपया नीचे आ जाता है। जब रुपया गिरता है तो जो भी चीज़ें आप बाहर से खरीदते हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो जब वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जिस तरह गैस, पेट्रोल, बिजली, ये सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मैं जान के डीजल नहीं कह रहा, तो सब इसलिए तो जब चीज़ें, ये चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं, और फिर जो खाने पीने की चीज़ें आप बाहर से खरीदते हैं, मसलन ये जो घी महंगा हो गया क्योंकि पाम ऑयल जो बाहर से लेते हैं वो महंगा हो गया। वैसे भी कोविड की वजह से महंगाई बाहर भी हो गई, तो वो बाहर से जब चीज़ ली वो महंगी हो गई। दालें, हम दालें बाहर से लेते हैं, 60% दाल जो पाकिस्तान में होती है वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। तो एक तो ये हो गई महंगी, दूसरी महंगाई जो अभी मैंने आपकी गंदम की बात की कि 2 साल बारिशें उस वक्त पे हो गई जब गंदम की कटाई होनी थी, उसकी वजह से गंदम कम हुई, खसारा हो गया। हमें चाहिए थी 27 लाख टन गंदम, हमारे मुल्क में खसारा हो गया। जब खसारा, क्योंकि बारिश की वजह से खसारा हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ कि जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। पहले हमें पता देर चला क्योंकि यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है, जो जिससे हमें पता चलता है कि कितनी हर फसल कितनी हुई हर साल, वो सिस्टम ख़राब था, हमें देर करके पता चला।
जब तक हमने बाहर से इंपोर्ट की, जो अब अल्लाह का करम है कि हमने सारी जितना भी खसारा था सब गंदम इंपोर्ट कर लिए, तो तब तक जब तक मार्केट को ये नहीं पता चला कि हमने बाहर से गंदम मंगवाई है, यहाँ ज़खीरा अंदोजी शुरू हो गई। और ये ज़खीरा अंदोजी एक इतनी बड़ी इस मुल्क की लानत है कि जब कायदे आज़म भी उन्होंने तकरीर की, जब आज से 72 साल पहले, उन्होंने भी कहा कि ये कितनी बड़ी लानत है होर्डिंग, ज़खीरा अंदोजी। इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। आपने सुन लें, आपने क्या करना है, आपने कहीं खुद जाके मुदाखलत नहीं करनी। आपके पास मोबाइल फोन है, आपने तस्वीर लेनी है, और आपके पास आज जो पोर्टल अनाउंस किया है उसके ऊपर आपने तस्वीर डाल देनी है और जगह डाल देनी है। उसके बाद हमारा काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एक्शन लेना। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके ऊपर अब ये जिम्मेदारी है ज़खीरांदोज़ी। और फिर दुकानों में आपने जाना है जिधर कीमतें नहीं लगाई हुई चीज़ों की। जब आपने देखा कि कीमतें नहीं लगी हुई, क्योंकि कानून है कि जो भी चीज़ें बिकती हैं उनका कीमत लगी होनी चाहिए, वो भी आपने तस्वीर लेके आपने हमें भेज देनी है। तो इससे ये ज़रूर होगा कि इससे हम आप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करेंगे। लेकिन मैं फिर से एक चीज़ दोहराता हूँ, आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि होगा क्या, ऐसे लोग आ जाएंगे टाइगर्स बन के जो पैसा बनाना शुरू कर देंगे, वो दुकानदारों को ब्लैकमेल करके पैसा बनाएंगे। इसलिए आपने इंटरफेयर नहीं करना। अच्छा, अब सुने जरा आगे, चीनी का क्या मसला हुआ। हमारी बदकिस्मती है कि थोड़े से लोग इस वक्त जो चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स हैं वो थोड़े से लोग हैं, और ज़्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। दोनों शरीफ ख़ानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। इसका मतलब सुन ले, ये अब तक शुगर मिल्स को किसी ने नहीं पूछा था, जो भी वो कीमत देते थे वो चाहते थे, जो कीमत का वो फैसला करते थे वो कीमत आ जाती थी। पहली दफ़ा एक बड़ी डिटेल्ड तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीज़ें पता चल गई हैं। और इंशाल्लाह ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूँ कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं जरा जो कल सर्कस हुई थी उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन चुप करके सुनिए। आप एंजॉय नहीं करेंगे अगर आप सारा वक्त नारे मारते रहे, आप कैसे एंजॉय करेंगे। यकीन करें आप ये जो मैं सर्कस के ऊपर बात करूंगा बड़ा एंजॉय करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, पहले आज से 11 साल पहले, ये सुन ले जरा, 11 साल पहले मैंने क्या कहा था ये जरा पहले सुन ले, क्योंकि ये मैंने आप नहीं, ये मैंने सब पेशन गोई की हुई थी कि ये सर्कस एक दिन होगी। तो अगर ये आप वो 11 साल वाली वीडियो चला दें, लेकिन आपने एंजॉय करना है आज। मैं आपको ये भी कहना चाहता कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सब पार्ट, इनके जो इंटरेस्ट एक हैं, इन्होंने एक हो जाना है, जरदारी और नवाज शरीफ ने इकट्ठे हो जाना है।
क्योंकि इनके इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो मैं जो ये लेके आ रहा हूँ ना, नहीं होंगे, मैं जो जो हम कानून लाना चाहते हैं ना, ये दोनों नहीं वो बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, ये मैं कह रही हूँ आपका ख्याल इकट्ठे होंगे, अंदर से हो जाएंगे, ऊपर से शायद थोड़ा कुछ दिखेगा। तो ये मैंने सब पेशन गोई की थी कि जब चोरों की चोरी के ऊपर हाथ पड़ेगा तो ये जब तक नूरा कुश्ती खेल रहे थे सब इकट्ठे हो जाएंगे, और वो आपने रात खुद ही देख लिया अल्लाह अल्हाक के सब इकट्ठे थे, पहले भी कंटेनर में इकट्ठे हो गए थे। और अब मैं वो जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। वो एक उनमें से नानी हो गई है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं वो, उसकी वजह है, सुने टाइगर्स उसकी वजह है। देखे इंसान जब तक जिंदगी में स्ट्रगल नहीं करता वो लीडर तो बन ही नहीं सकता। उन दो बच्चों ने आज तक जिंदगी में एक घंटा हलाल का काम नहीं किया, वो आज जाके लेक्चर दे रहे हैं दोनों, एक घंटा उन दोनों ने पैसे बनाने के लिए हलाल का काम नहीं किया। पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं, तो उनके ऊपर तफसरा करना फजूल है। लेकिन जो और देखें, जो आदमी 11 की टीम होती है 12वें को 12th मैन कहते हैं, जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। अच्छा, अब मैं असल ये बड़ा गौर से सुनना आप, अब मैंने जो असल बात करनी है वो जो लंदन में आज बैठ के जिसने जो कल गुफ्तगू की, अब ये इंग्लैंड जाना था जब, और इंग्लैंड जाके इसकी शक्ल क्या बनी जरा प्लीज दिखाएं। ये वही इंसान है, ये जो शक्ल थी, ये जब एक बस 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 अच्छा, ये शक्ल जब शिरीन मजारी ने देखी तो तब बेचारी की आंखों में आंसू आ गए। और फिर से मैं बता दूं, शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो देखे, वो मेरी भी आंखों में आंसू आ जाते अगर मैं इसको अच्छी तरह जानता ना। अच्छा, अब एक मिनट, अब जरा वो दूसरा भाई साहब को जरा दिखा दें, ये लंदन में जरा भाई साहब क्यों आप सुन रहे हैं। पटिशन लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, खुदा करे अल्लाह ताला अपने बेपाया फैसलों कर्म से, अगर खुदा करे अल्लाह ताला अपने बेपाया इजाजत मिल जाए तो भाई साहब के साथ होगी जो कि ख्वातीन रोना नहीं है आपने, अपनी आंखों के आंसू पहुंच लें। ये बॉलीवुड भी ऐसी कोई एक्टिंग नहीं कर सकता जो अभी एक्टिंग किया है। अब सोचे सुने अब सोचे कि हमारी कैबिनेट के सामने ये एक्टिंग जब हो रही थी, शीन मजारी रोना शुरू हो गई तो हमने इसको वापस ही बाहर ही जाने देना था। लेकिन आज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो इसने जबान इस्तेमाल की पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ, और
के डीजी के खिलाफ। मैं आज इसके ऊपर खास बात करना चाहता हूं। अच्छा खामोशी सुने, जरा मेरी बात सुने सुने सुने। मेरे टाइगर्स और पाकिस्तान के नौजवानों सुनो गौर से। बर्रे सगीर की तारीख में कभी भी ऐसी हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं आई जो मुसलमानों से और पाकिस्तान से इतनी नफरत करती है जितनी नरेंद्र मोदी की हुकूमत करती है। हमारे फौजियों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं। परसों 20 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने शहादत पाई, 20 लोगों ने। और ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। और ये गीदड़ जो धुंधमा के बाहर भागा था, वहां बैठ के आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और DGISI के ऊपर, सुने गौर से मेरी बात, मैं थोड़ा सीरियस आपसे बात करूंगा। ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल्लाह हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जिसने जनरल दुरानी ISI के जब चीफ थे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब इलेक्शन हुई तो मिरान बैंक से इसने करोड़ों रुपया लिया था इलेक्शन लड़ने के लिए। DGISI की सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट थी। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये कि हमारे मुल्क की अदालतों ने इसकी मदद की हमेशा। ये वो आदमी है जिसने आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में रखा था, जनरल बाजवा ने नहीं डाला था, और उसको कहता था पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी। वो जरदारी इसको ऊपर हुदायबा पेपर मिल का केस उसने इसको ऊपर बनाया था, जिधर अरबों रुपए इन्होंने करप्शन करके पैसा बाहर भेजा था, वो उसने नवाज शरीफ पे बनाया था, जनरल बाजवा ने नहीं बनाया था। ये वो नवाज शरीफ है और जरदारी, चुप करके सुने, चुप करें जरा सुने मेरी बात, ये वो जरदारी है और नवाज शरीफ। इसने इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक किताब निकली थी, उसका नाम था कैपिटलिज्म्स अकिलीज हील, रेमंड बेकर ने किताब लिखी थी। ये इनके पहले दौर के बाद जब इन दोनों ने 2 दफा बारियां लेके मुल्क को लूटा था, उसने किताब लिखी और उसके ऊपर पूरा चैप्टर दिया कैसे इन दोनों ने इस मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। जनरल बाजवा ने नहीं लिखी थी, रेमंड बेकर ने लिखी थी। उसके बाद 3 और इनके ऊपर किताबें हैं जिनमें आप पढ़े हैं कि इन्होंने इस मुल्क से कैसी गद्दारी की। एक ओबामाज वॉर, ओबामाज वॉर,
एक है सूसकिन, उसने किताब लिखी द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसमें वो क्या किताब में कह रहा है कि बिलावल को उनकी वालदा टेलीफोन करके, CIA ने उसका टेलीफोन टैप किया, बैंक अकाउंट्स बता रहे थे कि किन किन बैंकों में पैसे पड़े हैं तुम्हारे बारे। जो बाहर, अब जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने बाहर एक केस लड़ा हुआ है, हर जाने का केस बाहर लड़ा हुआ है, ये इन बोथम के खिलाफ, और जीता था केस वहां। सुने वहां क्या होता है, वहां जब आप कोई किताब लिखते हैं, चार किताबें मैंने बाहर पब्लिश करवाई हैं, एक एक लफ्ज उस किताब में आप लिख नहीं सकते। वकील बैठता है और देखता है कि क्या आप साबित कर सकते हैं चीजें, नहीं तो आप कोई किताब नहीं बाहर लिख सकते, क्योंकि इतने सख्त कानून है वहां। तो जो इनके ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, एक गोस्ट वॉर्स है एक और किताब, उसमें लिखता है कि नवाज शरीफ अमेरिकनों को कह रहा है कि अपने फौज यहां ले आओ, वो अपनी फौज से डरा हुआ था, अमेरिकी फौज को कह रहा था कि मुझे प्रोटेक्शन दो, उस किताब में लिखा हुआ है। सो ये वो लोग हैं, ये अपना चोरी किया हुआ पैसा बचाने के लिए ये इस मुल्क को बेच सकते हैं। इनको, इनका तो पैसा खुदा है। इन्होंने जो इस मुल्क से किया है वो मीर जाफर और मीर सादिक ने अपनी कौमों से किया हुआ था पहले, अपनी जात के लिए, अपने फायदों के लिए उन्होंने अपनी कौमों को गुलाम बनाया था। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। जब नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट्स दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है, वो बार बार ये कहता था, और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। मुझे क्यों नहीं नरेंद्र मोदी कहता कि इमरान खान ठीक है लेकिन जनरल बाजवा गलत है, वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसे पता है कि मैं हिंदुस्तान की असल दुनिया में नरेंद्र मोदी की शक्ल दिखाई है दुनिया में, कि कितना बड़ा इंतहा पसंद है ये। सो ये जो आज इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है, क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल ज़िया ने इसको गोद में बिठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में, इसकी जमहूरियत क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि ये वो वजीर आजम है जिसने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया था? और फिर जुल्म देखें कि बाकी जुडिशरी को ब्रीफ केस देके खरीदा था। ये वो नवाज शरीफ है जो आज बड़ा जमहूरी बन रहा है, ये वो नवाज शरीफ है जो टेलीफोन कॉल करके कहता था जस्टिस क्यूम इसको 3 साल नहीं, बेनजीर को 5 साल सजा दो। ये वो है आदमी, ये वो है जो पिछला नैब का चेयरमैन कमर जमान जैसा करप्ट आदमी उसको चेयरमैन बना के अपने केस बंद करवाए। इसके लिए अदलिया तब तक ठीक है जब तक अदलिया इसके साथ खड़ी है। हुदायबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस जब बंद होता है, अदलिया बंद करती है, तो अदलिया बहुत अच्छी है। जब 5 मेंबर बेंच अदलिया का पैनमा के केस में इसको सजा देता है, तो क्यों निकाला करके दौरा करके अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर देता है? क्या पैनमा का केस जनरल बाजवा ने किया था? इंटरनेशनल जब इंकशाफ हुआ था तो वो क्या पाकिस्तानियों का कसूर था? सारी दुनिया के अंदर इंकशाफ हुआ जिसमें पता चला कि मुल्क, हर मुल्क के पॉलिटिशियंस ने किस तरह मुल्क से पैसा चोरी करके ऑफशोर कंपनीज में पैसा रखा हुआ था, तो तब किसका कसूर था? यहां लोगों के सामने
बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। वो भी झूठ बोलता है, उसका भाई भी झूठ बोलता है, बेटे भी झूठ बोलते हैं, बेटी भी झूठ बोलती है, और वहां जाके तकरीरें कर रहे हैं कि जी बहुत बड़े ये जमहूरियत के लिए खड़े हैं। इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, ये जरा सुने। 2013 इलेक्शन के अंदर नेशनल असेंबली की सीटों में 137 पिटिशन आई जिन्होंने चैलेंज किया कि उनके इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। नेशनल असेंबली में 137 सीटें जिन्होंने पिटिशन दायर की। 2018 की इलेक्शन में सिर्फ 90 थे, 50% कम पिटिशन थी। और नून लीग की, क्योंकि उनकी तो सिर्फ पंजाब में पार्टी रह गई है, पंजाब के अंदर उनकी सिर्फ 11 पिटिशन थी, तहरीक इंसाफ की 13 पिटिशन थी, यानी हमारी ज्यादा पिटिशन थी जिन्होंने कहा धांधली हुई है। तो मुझे यह बताएं कि जब 80% पोल का रिजल्ट आया, फेफन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने 80% ने कहा, 80% पाकिस्तान का इलेक्शन 2013 से बेहतर हुआ है, अच्छा इलेक्शन हुआ। तो मैं अब ये पूछता हूं कि जब हमने 2013 इलेक्शन के बाद मैंने सिर्फ 4 हलके मांगे थे, 137 में से 4 हलके मैंने कहा इनकी हमें इनको खोल के बता दो, अगर ये ठीक है तो मान लेंगे इलेक्शन। इन्होंने 4 हलके नहीं खोले, एक साल के बाद सड़कों पे निकले, आखिर में जब 4 हलके खुले, चारों के चारों अंदर धांधली थी। जब हमारी बारी आई 2018 में, इन्होंने कहा जनाब इलेक्शन में धांधली लिया। इनसे वो जो आजकल जेल में है शहबाज शरीफ, हमने पहले कहा कि जो करना है आपने खोले, हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। अब इनको पता था कि 1100 पिटिशन थी इनकी सारी, इलेक्शन उन्होंने क्या खोलना था। तो ये वो लोग हैं कि जो बात करते हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। धांधली मैं आपको बताऊं किधर हुई, जो भी अभी इंकशाफ हुआ है इलेक्शन में। अभी एक बाय इलेक्शन हुआ जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ, उसकी बीवी को खड़ा किया, मरियम नवाज ने कैंपेन की। हमारे पास अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 250 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का इन्होंने उस हलके में इस्तेमाल किया इलेक्शन जीतने के लिए। ये हमने नैब को केस दिया है, हमने सारे इलेक्शन में 250 करोड़ खर्च किया, इन्होंने एक बाय इलेक्शन के ऊपर इस कॉम का टैक्स के पैसे का 250 करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन मुझे एक खास मजा आया, एक और अल्लाह अल्लाह का सच आता रहता है सामने। एक इलेक्शन हुआ उस्मान डार का, और वहां एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी 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 छाती निकाल के बड़के लगाता है। लेकिन पता क्या चला कि इलेक्शन की रात को शाम को 8 बजे रंगबाज ख्वाजा टेलीफोन कर रहा है जनरल बाजवा को, जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। आंसू गिर रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस मानदार से। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे टाइगर्स, मेरी अब आखिर में गौर से आपने बात सुननी है। अब तक ये जो अपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीजें। ये जो आप सुने जरा, ये जो आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर अभी जो चीज सामने आई है 23 अरब रुपए की, इसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है। कभी चीनी वाले तो कभी किसी के नाम पे 23 अरब रुपया भी पकड़ा गया है। जब तक
अदालतों में पूरी तरह ये जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा और ना ही किसी और डाकू को मिलेगा। दूसरा ये जरा सुन लो आप, मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। देखें लोग तंग आ गए हैं, लोग इंसाफ की इंतजार कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इन चोरों से पैसा मिलके वापस अवाम के पास आए, लोग पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि केस कब अदालत में कंप्लीट होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह की आपको हमारे से मदद चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। इनकी 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, इनके आपसे तो नहीं केसेस आए, लेकिन वो केसेस के फैसले ही नहीं होते। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाओ। आप हमारे से जो मदद चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौम इंतजार कर रही है कब इस कौम का लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा। गवर्नमेंट ये मैं आज फिर आपके सामने अब रख रहा हूं कि जो नया इमरान खान, एक तो नया पाकिस्तान है, एक नया इमरान खान बन गया कि कल किसकी तकरीर सुन के जो उसने जबान इस्तेमाल की है उस गीदड़ ने, मैं ये आज आप फिर कहता हूं कि अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। ये जो सारी जो कल सर्कस थी, ये सर्कस को मेरा पैगाम है कि देखें आप सारे तो कभी किसी का कंधा पकड़ के आया, कभी कोई जलानी ने बना दिया, किसी ने कागज का टुकड़ा दिखा दिया कि जी मुझे तो मेरी वालदा की वजह से पार्टी मिल गई है। ये आपके सामने शख्स खड़ा है, इसने पहले तो 20 साल खेलों की ग्राउंडों में दुनिया की बेहतरीन लोगों से मुकाबला किया है, और उसके बाद 22 साल वाहिद पॉलिटिशियन हूं, 22 साल छोटी सी पार्टी से शुरू करके अवाम के पास जाके वाहिद पब्लिक मूवमेंट से पार्टी बनाई है, किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि इंशाल्लाह अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। मैं सारी जो गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं, नैब हमारे आजाद है, अदालतें आजाद है, लेकिन मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से नैब को और अदालतों से कि आप प्लीज इनके फैसले करें। और मैं अदालतों को आज ये कहना चाहता हूं, जो ये कोशिश कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतजार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतजार फैलाए, DGISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतजार हो जाए, ये कोशिश कर रहा है कि बाहर जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं उनके अंदर ये नुमाया हो जाए, जिसमें इसको पता है कि जो इसराइल की और जो हिंदुस्तान की लॉबी वो अमेरिका में सबसे मजबूत है, उसको अपील कर रहा है। ये जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूं, मुझे सारी इंटेलिजेंस है ये क्या खेलने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसको ये बताना चाहता हूं
कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा आईएसआई का डीजी हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे चोरी नहीं कर रहा या मेरी कोई बार जायदाद नहीं, मुझे तो खौफ किसी से नहीं है। लेकिन जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं आज, हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, दो साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहे और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान।